अफनान ऑफिस में। जी आप कौन? एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। जय, मैं कह रही हूँ इसमें सबको। सॉरी सर, मैंने को बहुत कोशिश की इनको रोकने की, मगर ये जबरदस्ती अंदर आ गए। तारिक साहब आप प्लीज जाइए। आप ओके सर। अच्छा किया कि तुमने अपने मुलाजमों को भेज दिया, पता है उनके सामने तुम्हें जलील करता मुझे खुद को भी अच्छा ना लगता। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई तरीका है दफ्तर में आने का, बात करने का? अब वैसे तुम सही कह रहे हो, असूलन तो मुझे तुम्हारा मुंह तोड़ देना चाहिए कि जो तुमने हरकत की है। देखो शानी, मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपने गार्ड को बुलाऊं। गार्ड क्या, अपने जितने और मुलाजिम हैं उनको सबको बुलाओ, वो सेक्रेटरी को बुलाओ बाहर से, बल्कि सबको बुलाओ इस कमरे में, ताकि उनको पता लगे कि तुम्हारी हरकतें क्या है, कि तुम क्या करते फिर रहे हो और मेरी बीवी से तुम्हारा क्या ताल्लुक रहा है। तो पता है सब कुछ किसने मुझे बताया? तुम्हारी बीवी ने। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रमशा को दूं तलाक। नहीं शानी, शानी क्या हो गया तुम्हें? तुम शानी, तुम बात को समझने की कोशिश करो, ठंडे दिमाग से सोचो। मेरा और रमशा का कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है यार। वैसे भी रमशा बहुत दुखी है, तुमने ऐसा कुछ कर दिया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। से ज्यादा मेरी बीवी की फिक्र तुम्हें? अच्छी बात, लेकिन पता है क्या, आज एक बात तुम समझ लो, मुझे क्या करना है अपनी बीवी के साथ क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेहतर ये होगा कि तुम उससे दूर। ये मैं आखिरी दफा समझा रहा हूं। मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एक दफा तो मेरी बात सुन लो प्लीज। नहीं, बकवास सुननी मुझे तुम्हारी, कहा ना जाओ यहां से। शानी तुम एक दफा तो मुझे मेरी सफाई में कुछ कहने के लिए दो, एक दफा तो मौका दो, बात तो सुनो। तुम मेरा यकीन करो, मेरे दिल में अफनान के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम मेरी तो छोटी हो, समझ आई तुम? धोखा दिया मुझे। मैंने कोई झूठ नहीं कहा, ना ही तुम्हें कोई धोखा दिया। कोई झूठ नहीं बोला तुमने मुझसे, तो फिर अफनान कहां से आया? क्या तुमने मुझसे अपना माजी नहीं छुपाया?
मत बोलो, तुम एक छोटी औरत हो। मेरे और अफगान के दरमियान मासी में जो कुछ भी था वो शादी होने से बहुत अरसा पहले ही खत्म हो चुका था। बताने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर तुम्हें क्या बताती? बस कर दो रमशा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती और तुम उससे मोहब्बत करती थी। थोड़ा तो यकीन करो मेरी बात। ठीक है, अगर अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, कम से कम अफगान की बात पे तो यकीन करो। तुम जानते हो कि मामू जान के घर का माहौल ऐसा नहीं है, ऐसी तरबियत नहीं की उन्होंने अफगान की। अफगान कहाँ थे तुम? ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने क्या किया? मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि शानी आज मेरे ऑफिस आया था। अली से बहुत घटिया हरकत की है तुमने। शानी को मेरे और रमशा के बारे में सब कुछ बता दिया। अफगान, तुमने ही तो मुझे कहा था कि रमशा और तुम्हारे दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम छुपाना चाहते हो। जब तुम दोनों के दरमियान हर चीज क्लियर है तो फिर डर किस चीज का? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे तुम जैसी कमजोर औरत से मोहब्बत हुई थी। अफसोस हो रहा है अपने आप पर।